बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घर में बिल्कुल खुशबाश होंगे। तो गाइस, आज की मेरी ये वीडियो उन बहनों के लिए जो कि घर पे स्टिच करती हैं या उन्हें ऐसी चीज़ें बनाने का शौक़ है, या जो बहनें अपने घर को डेकोरेट करना चाहती हैं, जिन्हें सिलाई अच्छे से आती है या नहीं भी आती, तो आप इस वीडियो से काफ़ी आपको फ़ायदा हासिल होने वाला। आपका घर काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो गाइस, घर कितना भी खूबसूरत हो, जब तक ऑर्गेनाइज ना हो वो अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस, आज मैं इन छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से ऐसी डिज़ाइन आपको दिखाऊंगी जिसे देखकर आप वाकई खुश हो जाएंगे, जैसे कि मैं खुश हो गई थी। आप एक जींस के कपड़ों से देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बनी हुई हैं और काफ़ी घर को ऑर्गेनाइज करने वाली चीज़ें हैं। अगर आप इसे बना लेते हैं तो आपका घर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा और काफ़ी प्यारी चीज़ें, और आप आसानी से बना भी सकते हैं। जो बहनें स्टिच करती हैं उनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल ही आसान है, और जो नहीं भी करती हैं तो ये सिंपल सी सिलाई है, वो भी कर सकती हैं। अगर हाथ से सिलना चाहें तो भी सिल सकती हैं। तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इससे पहले भी मैंने ऐसे कपड़े की वीडियो डाली थी, लेफ्ट ओवर कपड़े की, तो आप सब ने बहुत ही पसंद किया था। गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और आगे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि जो मेरी बहनें इस तरह की वीडियो देखना चाहती हैं या वो स्टिच करती हैं या उनका शौक़ है, तो वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। और प्लीज़ मेरे चैनल का विजिट करिए और बहुत से आइडियाज़ मैंने डाले, क्राफ्ट्स की वीडियो डालें, अगर वो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह रमज़ान बाद मैं आपसे क्राफ्ट की वीडियो शेयर करूँगी। गाइस, मैंने क्राफ्ट्स की वीडियो बनाई है लेकिन मैं दवा भी खाती हूँ और रोज़ा भी रखती हूँ, इसकी वजह से मैं क्राफ्ट्स की वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ, उसमें ज़्यादा देर लगता है। तो मैं इंशाल्लाह ईद के बाद आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, और प्लीज़ आप मेरे लिए भी दुआ करिएगा, मेरी सेहत के लिए भी और अपनी सेहत के लिए भी, और हर एक परेशान बीमार के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे, और ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करिएगा। और ये रमज़ान का मुबारक महीना ख़त्म हो रहा है, प्लीज़ ख़ास तौर से दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।